फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर को कट कर लिया है, लौकी लिए है हमने, और यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को कट कर लिया है, चार पांच लहसुन की कलियों को मैंने बारीक कट कर लिया है, दो हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये सब्जी कुकर में बनाएंगे, कुकर में भी बहुत अच्छी बनती है सब्जी। तो हमने कुकर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, लगभग आधा छोटा चम्मच। हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, सो मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन हमारे हो चुके हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। हाई फ्लेम में हम इसको भून लेंगे चलाते हुए। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक एक चम्मच, स्वादानुसार आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच। बस हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले, ये सब्ज़ी तो ऐसे ही बनती है कम मसालों में, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसी में लौकी ऐड कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको ऐसे ही भूनेंगे हम। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये पानी वैसे ही छोड़ती है। ढक्कन बंद कर देंगे। पाँच मिनट लो फ्लेम में पकाएंगे। देख लेते हैं, रेडी हमारी लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। सो थैंक यू।